Hello student, now in this lecture we are going to learn development of lateral surface of triangular prism. So let us see, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे triangular prism दिया है. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि base में भी same shape और top में भी same shape. अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये triangular prism है, तो यहाँ पे base में होगी तीन side. Okay, side AB, BC and CA. Similarly, on top side, there is also three sides and three corner. और ये तीनों base की corner और top की corner इन्हें join करती है ये तीन longer edges AA, BB and CC. और center में होगा आपका axis, यहाँ पे होगा O और यहाँ पे होगा bottom point S. Similarly, अगर triangular pyramid देखते हैं तो ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर भी बेस में होंगे तीन कॉर्नर ए बी सी, मतलब बेस में भी होगा एक ट्रायंगल जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमिलरली एज ट्रायंगुलर प्रिज्म. और तीनों कॉर्नर से तीन स्लांट एज पास होगी जो कि ऊपर जाके कनेक्ट होगी किसको, एपेक्स को. ठीक है, सो दिस इज एपेक्स पॉइंट ओ और ये सेंटर में होगा आपका एक्सिस ओ एस. ठीक है, तो देखिए इनके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कैसे है. तो टॉप व्यू के अंदर आपको जो ट्रायंगुलर प्रिज्म है ये प्रिज्म नजर आएगा एज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल. ये देखिए, ये साइड और ये साइड, तीनों साइड के डायमेंशन एक ही है, तो ये टॉप व्यू के अंदर नजर आएगा एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो आपको इस कंडीशन में उसे निकालना है. ठीक है, अब यहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दिस इज resting on side condition also and resting on corner condition also. Okay, A, B, C और center में होगा आपका axis O, S. तो axis का location कैसे find out करना है, देखो axis का location find out करने के लिए आपको हर एक corner से एक line निकालनी है जो कि line उसकी opposite वाली line को perpendicular होगी. देखो corner A के सामने line है आपकी BC, तो BC को कॉर्नर A से जो लाइन निकल रही है वो कैसी होगी, परपेंडिकुलर. सिमिलरली अगर कॉर्नर B लेते हैं तो B से निकलने वाली लाइन उसके सामने वाली जो लाइन है AC, इसको होगी परपेंडिकुलर. और कॉर्नर C अगर लेते हैं तो C से निकलने वाली लाइन होगी BA को परपेंडिकुलर. और ये तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है, दैट इंटरसेक्शन इज नथिंग बट द लोकेशन ऑफ योर एक्सिस. नाउ ये है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ट्रायंगुलर पिरामिड का. ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी टॉप व्यू के अंदर आपको नजर आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल. फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर जो टॉप व्यू है तो टॉप व्यू के अंदर कोई स्लांट एज नजर नहीं आती क्योंकि इसमें स्लांट एज है ही नहीं. ठीक है, यहाँ पर सब लॉन्गर एजेस है, लेकिन ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर आपको नजर आएगी स्लांट एजेस. अगर ये तीन कॉर्नर है तो स्लांट एज ए ओ बी ओ एंड सी ओ, यहाँ पे देखिए दिस इज ए, यहाँ पे दो पॉइंट के प्रोजेक्शन है बी एंड सी और ये होगा आपका एपेक्स ओ और ये है एक्सिस. तो अगर फ्रंट व्यू देखते हैं हम दोनों केस में, इन केस ऑफ प्रिज्म एंड इन केस ऑफ पिरामिड, तो एक्सिस का जो प्रोजेक्शन है इन फ्रंट व्यू, तो ये मिडल में नहीं है, ये थोड़ा लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा. ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल नहीं है इन बोथ केसेस, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो चलिए देखते हैं हाउ टू ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म. ओके, यहाँ पे है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ड्रॉ डेवलपमेंट ऑफ द लैटरल सरफेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ बेस साइड 40 mm एंड एक्सिस साइड 60 mm. बेस की साइड दी आपको 40 mm, एक्सिस की हाइट दी है 60 mm. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि टॉप व्यू के अंदर आपको नजर आने वाला है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो आपको सबसे पहले टॉप व्यू के अंदर बनाना है 40 mm साइड का एक इक्विलैटरल ट्रायंगल. ठीक है, तो सबसे पहले मैं 40 mm लेंथ की एक साइड यहां पे मार्क कर लेता हूं. ओके, दिस इज 40 mm और बस इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको बनाना है. तो आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, एक दिस मच ऑफ डिस्टेंस, दिस इज 40 mm डिस्टेंस और ये डिस्टेंस लेके सिर्फ आपको एक क्रॉसिंग आर्क दोनों साइड से ड्रॉ करनी है सो दैट यू विल गेट थर्ड पॉइंट.
ओके, और बस इसे ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। ओके, अब हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई लाइन। एक्स वाई लाइन थोड़ा सुटेबल डिस्टेंस पे आपको ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। इस पॉइंट को हम लेवलिंग कर देते हैं, दिस इज पॉइंट ए बी एंड सी। अब ये लेवलिंग कॉमन है बेस के कॉर्नर को भी और टॉप के कॉर्नर को भी, क्योंकि जब हम इसे टॉप व्यू से देखते हैं, ये देखिए, जब टॉप व्यू के अंदर हम इसे देखेंगे तो ये टॉप का एक कॉर्नर और बॉटम का एक कॉर्नर है, ये हमें एक ही लोकेशन पे नजर आएंगे। सिमिलरली फॉर बी एंड सी ऑल्सो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है एक्सिस का लोकेशन। तो एक्सिस का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल, कॉर्नर ए से एक लाइन निकालनी है, जो लाइन होगी उसके सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर। तो ए के सामने है आपकी लाइन बी सी, ठीक है। तो मैं ए से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, फेंट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, ओके। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट बी, और ये ड्राफ्टर से काम करना है आपको, सो दैट यू विल गेट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ एन एक्सिस, ओके। अब दो इंटरसेक्शन भी मिल गए आपको तो एक्सिस का लोकेशन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पिरामिड है तो पिरामिड के अंदर हमें स्लांट एजेस दिखानी होती है, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, तो तीनों की तीनों लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये आप आदत डाल लो, दिस इज अ प्रैक्टिस, ओके। तो ये मिल गया एक्सिस का लोकेशन, जिसे हम लेबल करेंगे ओ कॉमा एस, और अभी तीनों कॉर्नर के प्रोजेक्शन आपको भेजने हैं ऑन एक्स वाई लाइन विद द हेल्प ऑफ फेंट लाइन, ओके। ये बी और सी का कॉमन प्रोजेक्टर और ये एक्सिस का प्रोजेक्शन। तो एक्सिस की हाइट अभी आपको एक्सिस के प्रोजेक्टर से ऊपर भेजनी है, सो हाइट इज 60 mm। तो इस पॉइंट से अभी 60 mm डिस्टेंस आपको मार्क करना है ऑन दिस साइड, ठीक है। अब ये एक्सिस है तो एक्सिस आपको दिखाना है विद द हेल्प ऑफ सेंटर लाइन, लाइक दिस। रिमेनिंग टू प्रोजेक्टर से भी आपको 60 mm की हाइट मार्क कर लेनी है और ये फ्रंट व्यू कंप्लीट करना है। ओके, तो ये हो गया फ्रंट व्यू। अब फ्रंट व्यू की लेबलिंग कर देते हैं। तो यहां पे होगा बेस का कॉर्नर ए विथ डैश, ये टॉप का ए डैश। यहाँ पे दो पॉइंट के कॉमन प्रोजेक्टर है बी एंड सी, तो यहाँ पे आपको लिखना है बी डैश कॉमा सी डैश। सिमिलरली ऑन टॉप साइड बी डैश कॉमा सी डैश, और ये है आपका एक्सिस। तो ये हो गया ओ डैश और ये हो गया एस डैश, ठीक है। अब तुरंत इसे डायमेंशन भी दे देना है, दिस हाइट इज 60 mm। ओके, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे आपको साइड का डायमेंशन दिखाना है। देखो ये साइड को मैं डायमेंशन एक्सटेंशन लाइन परपेंडिकुलर निकाल रहा हूँ, और डायमेंशन लाइन भी आपको इसको पैरेलली होनी चाहिए। सो दिस साइड इज 40 mm। ओके, अब आगे की प्रोसीजर सेम है जैसे हमने स्क्वायर प्रिज्म के लिए ड्रॉ की थी। तो बस इस लाइन को थोड़ा फ्रेंड लाइन से एक्सटेंड कर लीजिए, और सिमिलरली यहाँ से ए डैश को उतनी ही हाइट का एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर लेना है, उतनी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपको, ठीक है। सो दिस इज योर लॉन्गर एज ए डैश ए डैश। और जबकि अब ये ट्रायंगुलर प्रिज्म है तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर है आपकी तीन साइड, तो इसे ओपन करने के बाद आपको पता है कि डेवलपमेंट कैसे नज़र आने वाली है। देखिए
ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, और इसे अगर ओपन करते हैं तो देखिए कितनी साइड मिली अभी, दिस इज 40 mm, दिस वन इज 40 mm एंड दिस वन इज 40 mm, ए बी बी सी एंड अगेन सी ए, ठीक है। और ये हो गई आपकी एक्सिस की हाइट, सो दिस इज नथिंग बट द हाइट ऑफ प्रिज्म और एक्सिस हाइट। अब यहाँ पे प्रिज्म के अंदर लॉन्गर एज की हाइट लेंथ और एक्सिस की लेंथ दोनों कैसी है, सेम है, ठीक है। तो आपको सिंपल अभी क्या करना है, साइड का डायमेंशन उठाना है कंपास में, और इसे कितनी बार मार्क करना है, 3 बार, बिकॉज देयर आर 3 साइड्स इन ए बेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है, ओके। और ये रेक्टेंगल कंप्लीट करना है, तो ये हो गया आपका पेरीमीटर 120। सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस टॉप की साइड में भी मार्क कर दीजिए और ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर लीजिए। ये रेक्टेंगल आपको डार्क निकालना है, ओके। और ये जितने भी पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं इसमें से भी हमें दिखानी है हमारी लॉन्गर एजेस, ये भी आपको डार्क ही दिखानी है। सो इट्स वेरी सिंपल, ओके। सो दिस इज सेकंड लॉन्गर एज, बी डैश बी डैश, दिस वन इज सी डैश सी डैश एंड अगेन ए डैश ए डैश, ओके। बस अभी पेरीमीटर दिखा दीजिए, तो पेरीमीटर आएगा देर आर 3 साइड्स ऑफ 40 mm, तो पेरीमीटर हो गया आपका 120 mm। तो यहाँ पे दिखाना है आपको पेरीमीटर पी इज इक्वल टू 120, ओके। सो दिस इज ए डेवलपमेंट ऑफ लैटरल सरफेस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। थैंक यू।